नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर जय भारती और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रो गर्ल पे। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछला वीडियो था हमारा वास्तु डिफेक्ट्स के बारे में और ये वीडियो मैं बना रही हूं वास्तु रेमेडीज पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कि आप घर में नॉर्थ ईस्ट में दवाइयां रखिए ताकि आपको रिकवरी जल्दी हो। साउथ वेस्ट में दवाइयां कभी भी ना रखें क्योंकि इससे आपको दवाइयों की लत लग सकती है। दूसरा पॉइंट, आप ये ध्यान रखें कि आप हमेशा साउथ और ईस्ट जोन में ही सर करके सोइए, नॉर्थ और वेस्ट को इग्नोर कीजिए। तीसरा पॉइंट है कि आप साउथ ईस्ट जोन में शाम के समय एक दिया जलाइए। इसके बाद हम बात करते हैं साउथ वेस्ट जोन की, जिसमें कि मुखिया का कमरा होना चाहिए ताकि वो किसी बीमारी से ग्रस्त ना हो और एक सुखी जीवन व्यतीत कर सके। इसके बाद हम बात करते हैं कि घर की नॉर्थ साइड में एक तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए, ये हर प्रकार के वास्तु दोषों को दूर करता है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके घर में बेड्स की, ये हमेशा लकड़ी के होने चाहिए और दीवार और लकड़ी के बीच में, लकड़ी के बेड के बीच में हमेशा 3 इंच का गैप होना चाहिए ताकि पॉजिटिव एनर्जी सर्कुलेट हो सके। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो उनके सिरहाने पर आप रॉक सॉल्ट रखिए एक बोल में रखकर और इसको हर 2-3 दिन में चेंज कीजिए। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। हैव अ गुड डे।